ज्यादा चेक तो नहीं हो रही है। तो ये है चिड़ियाघर। तो जी पहाड़ों की रानी मसूरी में, बोलो जुबा केसरी, जय हो प्रभु श्री। नजर हटी दुर्घटना घटी और डैश। और ये देखे क्या प्यारी मूर्ति है, ये लाल बेगी रे तेरी लाल। क्या सो दोस्तों यहाँ पे अपना स्टे है। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है फ्राइडे, अभी हम हैं देहरादून में। कल रात को ही चंडीगढ़ से हम देहरादून आए थे और अब हम जा रहे हैं मसूरी के लिए, तैयार हो गए हैं। ठंड ठीक ठाक है यहाँ पर मसूरी में होगी मुझे पता है। तो ये रूम हमें मिल गया था 1200 रुपये में, वैसे तो 1000 रुपये रेट था, बट हमने एक एक्स्ट्रा बेडिंग करी हुई थी तो ये यहाँ पर नीचे बिछाया हुआ था और ये अलग से हमने रजाई वगैरह ली थी तो इसलिए 200 रुपये इन्होंने एक्स्ट्रा बेडिंग का लिया। तो 1200 रुपये में ठीक पड़ गया रूम, बढ़िया है। अगर एक्स्ट्रा बेडिंग नहीं करते तो 1000 का था, प्लस यहाँ पे हॉट वाटर की भी फैसिलिटी है। तो दोस्तों हम जा रहे हैं मेट्रो करने के लिए, आप भी हमारे साथ बने रहे। तो वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त चल राजपूत। अभी हम देहरादून से मसूरी निकल रहे हैं, 9 बज गए हैं, 1:75 चल चुकी है एंड वी आर रेडी टू मूव। हम अभी बिल्कुल पास हैं क्लॉक टावर के, ये यहाँ पर गांधी पार्क है, ये हमारे जो पीछे है ये रास्ता आ रहा है क्लॉक टावर से गांधी पार्क की तरफ चर्च रोड, और ये है देहरादून। तो कुछ इस प्रकार से है सुबह सुबह मसूरी का सीन, सॉरी देहरादून का सीन, और काफ़ी अच्छा लग रहा है देहरादून। सुबह और रात में घूमने में तो मज़ा है, लेकिन शाम को जो ट्रैफिक होता है ना, वो ट्रैफिक रुलाने वाला होता है। यहाँ पे होंडा का शोरूम भी है, होंडा वालों स्पॉन्सरशिप करनी पड़ेगी तुम्हें, इसी चक्कर में मैं बाइक नहीं ले रहा हूँ। मसूरी में गया था 2018 में, 2 दिन का ट्रिप था, काफ़ी मस्त ट्रिप था। उस टाइम पर हम बस में गए थे और उसके बाद मसूरी गए थे हम, आई थिंक 2019 या 20 में गए थे, जब अंजलि का बर्थडे था तो पवन संदीप में हम सब गए थे। और अब जाना हो रहा है मसूरी। ओ माय गॉड, मसूरी का व्यू आपको तो कैमरे में नहीं दिखाई दे रहा होगा, पर पहाड़ की चोटी में वो क्या लग रहा है। और यहाँ पे ये बढ़िया बढ़िया ये आई थिंक होटल्स हैं कि क्या है, ये समझ नहीं आया कुछ। कपड़े टंग रहे हैं, शायद फ्लैट है, नीचे शॉर्ट्स है, ऊपर फ्लैट है, समझ नहीं आया। 181 किलोमीटर चल चुकी है, अभी भी डंडी डिप डिप नहीं कर रही है, इसका मतलब 25-30 किलोमीटर और चल जाएगी, यानी कि 200 से प्लस जाएगी है फुल टैंक में। 310 हो गया जी। तो ये है चिड़ियाघर। कंचन बोलो जुबा केसरी। यहाँ पे जो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किए हैं, ये जैसे कैफेज बनाए हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं, मतलब सुबह सुबह देखने में ना अलग ही नज़ारा आ रहा है इनका। जो जब हम आए थे तो हम आए थे कार से आए थे, और जब उससे पहले आया था तो बस से आया था, तो क्या होता है आपका ना एक साइड का कहीं ना कहीं का व्यू ब्लॉक हो जाता है। लेकिन टू व्हीलर में यह होता है कि आपको अपने मतलब पूरा 150 डिग्री का व्यू दिखता है आपको, आमने सामने सारा कुछ। तो अब जाके जो फील आ रहा है वो अलग ही फील आ रहा है। जय हो प्रभु श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर, जय हो शिव जी भगवान का, ये सभी पे कृपा बनाए रखें भोले बाबा। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप भी बोलो जुबां केसरी। तो जी पहाड़ों की रानी मसूरी में आपका हार्दिक स्वागत है। आते ही झटका मिल गया, पीछे सीट खाली है और लोग, खैर छोड़ो, शराब पीकर वाहन ना चलाएं, क्योंकि पहले आप शराब पियोगे फिर शराब आपको पिएगी। कुछ अच्छे विचार भी देने पड़ते हैं यूथ को समझाने के लिए। ओहो कितना प्यारा लग रहा है। दुर्घटना से देर भली, इसके ऊपर क्या बनेगा। नज़र हटी दुर्घटना घटी और डैश, समझ जाओ।
डैश फटी का मतलब पैंट फटी, कपड़े फटे, क्योंकि जब बंदा गिरता है, दुर्घटना होती है, बंदा गिरता है तो कपड़े कुपड़े तो फटते ही हैं, साथ में स्किन भी फट जाती है। तो ये मतलब था। ब्योहणू चरे ब्योहणू, सब लोगों को ब्योहणू, जब देखा था कि टेंट लग्यू है, धमा चौकड़ी मचे थे सब की आराम देखा यक कन होलू बल पी चली सी अटक खाली, अरे चले हम मनाली, मनाली नहीं मसूरी, बन नहीं रहा था ना, राइम नहीं हो रहा था। दुर्घटना से देर भली, नहीं तो हो जाएगी खली बली। कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा मौसम ना धूप धूप सी है, पर बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है यहाँ से देखने में, एकदम अल्टीमेट व्यू आ रहा है दूर दूर तक। कैमरे में तो उतना नहीं दिखेगा जितना दिख रहा है, बट अगर थोड़ा ये धूप नहीं होती, अभी क्या है फोगी फोगी सा भी है ऊपर, वेदर डस्ट बोल लो या फोग बोल लो, पर काफ़ी ज़बरदस्त। ओए ओए क्या प्यारे लग रहे हैं ऊपर सारे घर, अल्टीमेट। तो ये वाला रास्ता जा रहा है टीरी धनोल्टी के लिए, और यहाँ से मसूरी रह गया 2 किलोमीटर। तो लो जी मसूरी हम पहुँच गए हैं, 10 बज गए हैं और 206 मतलब वही अराउंड 30 किलोमीटर देहरादून से। मसूरी में हम एंटर कर चुके हैं, मॉल रोड आने वाला है। यार ये तो है अपना पिक्चर पैलेस, किस तरफ है? उस साइड साइड में। अच्छा हम गलत साइड आ गए हैं, ये तो वो है ना लाइब्रेरी चौक के है ना। अरे यार हम लाइब्रेरी चौक आ गए हैं, हम ना लाइब्रेरी चौक की तरफ आ गए, गलत आ गए हम। वो जो पेट्रोल पंप नहीं था जहाँ मैं पूछ रहा था, उधर से लेफ्ट होके निकलना था, ये माल रोड का एंड पॉइंट है, अब वापस जाना पड़ेगा उल्टा। यहाँ से मैं कंफ्यूज भी था इसलिए मैंने पूछा था, लेकिन भाई ने बोला वहाँ चले जाओ और मैं वहाँ चला गया। तो वो चला गया था डायरेक्ट एंड पॉइंट पे लाइब्रेरी चौक, वैसे तो वहाँ से भी जा सकते थे बट हमें तो जाना था पिक्चर पैलेस की तरफ। और ये देखिए क्या प्यारी मूर्ति है शिव शंकर की, जय हो शंभू बाबा जय हो। ये लाल वेगी रे तेरी लाल। यहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ लाने में बड़ी दिक्कत है, पार्किंग पुर्किंग की बहुत समस्या है यहाँ पे। इसके जान से ठंड भी नहीं लगनी होली रे। ये अपना कौन कौन सी दी है उसकी, मतलब बुखार सरदर्द जो भी है, ये सरदर्द सब में काम करेगा, ये हेडेक हो बॉडी पेन हो सब में। तुमने कौन से दत्त मंजन ले लिया क्या? मेरे पास भी है, पूछ लेते हैं अंकल जी हमारे बने हुए ट्रैकिंग गाइड। भाई मेरे को लूट लिया था, मैं ये ली थी यहाँ से एक्टिवा, मतलब मैंने वहाँ से ली थी मॉल रोड के बीच से, मैंने कहीं कंफर्म नहीं करे रेट और चक के ले गया, और उसने दी मेरे को पता नहीं 1000 की 1100 रुपये की एक दिन की, और यहाँ पे 700-700 500 रुपये में देते हैं। कितना मीटर था अपना अंदर, कितना मीटर था अंदर अपना? सो ऐसा कुछ है अपना रूम, जब मैं 2-3 साल पहले भी मसूरी आया था तो यही रूम लिया था मैंने मसूरी में आके, ठंड बहुत ज़बरदस्त थी और रूम बहुत अच्छा है, ये 800 रुपये का रूम पड़ा। टीवी वगैरह वाईफाई तक है यहाँ पर, वाईफाई की स्पीड बहुत अल्टीमेट थी, तो यहाँ पर ऐसा कुछ आपको बेड बुड मिल जाता है, और मॉल रोड से हल्का सा अंदर आके ही है, बहुत बढ़िया। सो दोस्तों यहाँ पे अपना स्टे है। थैंक यू बहुत बहुत ही, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपना आशीर्वाद देते रहे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।